नियति, तुम रामायण के बारे में क्या जानती हो? अरे दीदी, मैं तो रामायण के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अभी तो देखी थी लॉकडाउन में टीवी पर, उसमें दिखाया था कि रावण एक राक्षस है और उसके 10 मुख होते हैं, और राम ने रावण को मारा और रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता ही रहता था, और अंत में सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद वह पृथ्वी में समा गए। अरे अरे रुको रुको, तुमने जो रामायण देखी और हमारी जैन रामायण में बहुत अंतर है। हमारे महान ग्रंथ श्री पद्म पुराण में आचार्य रवि सेन जी ने जो राम के जीवन का चित्रण किया है वो बहुत ही मार्मिक व आदर्शपूर्ण है। हमें जैन रामायण में बताया जाएगा कि राक्षस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री राम ने मंदिरों का निर्माण कैसे करवाया, रावण द्वारा सीता जी का हरण, सीता जी की अग्नि परीक्षा, समाधि मरण और श्री राम का निर्माण आदि, इन सभी के बारे में हमें बहुत जानकारी प्राप्त होगी। अरे वाह दीदी, जैन रामायण में तो बड़ी अच्छी और वैराग्यपूर्ण बातें बताई जाएंगी, परंतु दीदी ये जैन रामायण हमें कहाँ और कब से देखने को मिलेगी? ये जैन रामायण 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही है और इसे देखने के लिए हमें जैन रामायण के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना होगा, जैन रामायण के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा। हमें हर रविवार नई वीडियो नए टॉपिक पे और नए अंदाज में देखने को मिलेगी। परंतु दीदी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये जैन रामायण किसके द्वारा आयोजित की जा रही है। जैन रामायण आचार्य अकलंग देव जैन न्याय महाविद्यालय रत्नतीर्थ तीर्थ ध्रुवधाम बांसवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें मार्गदर्शक मिला है आदरणीय श्री मैपाल जी ज्ञायक बांसवाड़ा, निर्देशक है डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री बांसवाड़ा, संयोजक मिला है पंडित श्री दीपक जी शास्त्री ध्रुव एवं पंडित जी सतीश जी शास्त्री, प्रवक्ता एवं प्रस्तुतकर्ता है आदरणीय आकाश जैन अनंत नोगा। तो देखना न मूले, जैन रामायण शुरू हो रही है 2 अगस्त से।